महाभारत भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया। इन बलिदानों में एक नाम, एक शख्स हर किसी के दिल में बसता है, दानवीर कर्ण। कर्ण महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे ना तो माँ का प्यार मिला ना ही उसका हक, फिर भी वह दानवीर कहलाया। कर्ण माता कुंती और सूर्य देव के अंश से जन्मे थे, लेकिन माता कुंती की विवाह से पहले ही कर्ण सूर्य देव के अंश से पैदा हो गया, जिस वजह से माता कुंती को कर्ण को त्यागना पड़ा। कर्ण का जन्म एक दैव्य कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसके रहते दुनिया की कोई भी ताकत कर्ण को हरा नहीं सकती थी। लेकिन फिर कर्ण की मौत हुई कैसे और कर्ण का कवच कुंडल कहाँ गया? क्या आज भी वो कवच कुंडल धरती पर मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ? महाभारत युद्ध के समय कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। वासुदेव कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि अगर कर्ण इस युद्ध में लड़ेगा तो पांडव कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकेंगे। जिसे देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन के पिता देवराज इंद्र से कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांगने को कहा। कर्ण कभी भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे और उनकी यही आदत उनकी मौत की वजह बनी। जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे तभी इंद्रदेव एक भिक्षुक का भेष धारण करके उनके सामने गए और कर्ण से ये वादा करवाया कि मैं जो आपसे दान में मांगूंगा वो आपको देना होगा। फिर क्या, देवराज ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। कर्ण ने अपने वादे के अनुसार देवराज को अपना कवच और कुंडल दे दिया। देवराज ने भी खुश होकर कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किया और युद्ध क्षेत्र में कवच और कुंडल ना होने की वजह से कर्ण का वध हो गया। कहा जाता है कि कर्ण के कवच कुंडल को लेकर इंद्रदेव स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने छल से उसे प्राप्त किया था। इस वजह से देवराज ने कर्ण के कवच कुंडल को धरती पर कहीं छुपा दिया। ये देखकर चंद्रदेव उस कवच को चुराकर भागने लगे, लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया। तब से सूर्यदेव और समुद्रदेव कर्ण के कवच कुंडल की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि वो कवच कुंडल कोणार्क के सूर्य मंदिर में छुपाया गया, क्योंकि ऐसी जगह जहां समुद्र और सूरज एक साथ प्रस्तुत हो ऐसी जगह सिर्फ कोणार्क में है। कोणार्क का रहस्य एक पुरानी पुस्तक में बंद है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि वो एक पुरानी लिपि में लिखी गई है जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ है, हमें कमेंट में बताना। और अगर आपको हमारी इस वीडियो में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना